Hey guys, once again welcome back to Live Bright Side. Guys, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करेंगे टी वर्सेस कॉफी। एक बात जो हमारे दिमाग में हमेशा आती रहती है वो ये है कि हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन है, चाय या फिर कॉफी। कुछ लोगों को चाय पीना पसंद है और कुछ लोग कॉफी के शौकीन होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें दोनों पीने की आदत होती है। लेकिन क्या आपको पता है दोनों में से अधिक फायदेमंद कौन है और किस में ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दिन की शुरुआत करनी हो या काम के तनाव को कम करना हो, सबसे पहले जिस पेय पदार्थ का नाम आता है वह है चाय। चाय सेहत को काफी लाभ पहुंचाती है और यह कई प्रकार की होती है, जैसे कि लेमन टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी एक्सेट्रा। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कॉफी की। कॉफी भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि ग्रीन कॉफी, ब्लैक कॉफी एक्सेट्रा। ब्राजील इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। हम बात करेंगे टी और कॉफी दोनों में से हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद कौन है। चाय और कॉफी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और यह अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा होता है, यह बॉडी में फ्री रेडिकल्स का खात्मा करता है। चाय और कॉफी दोनों ही वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, दोनों से ही हमारा वेट लॉस होता है। यदि आप ब्लैक कॉफी का डेली सेवन करते हैं तो इससे आपका वेट लॉस होता है। अगर आप चाय, चीनी और दूध के बिना प्रयोग करते हैं तो इससे आपका वजन घटता है। कॉफी में चाय के मुकाबले लगभग दोगुनी मात्रा में कैफीन पाया जाता है। चाय में निकोटीन और कैफीन दोनों पाया जाता है, लेकिन इसे छानकर पिया जाता है जिससे कि इसका असर कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉफी के कैफीन को पूरी तरह से घोलकर पिया जाता है, जो कि घातक होता है। कैफीन के अधिक सेवन से शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण डायबिटीज, सिर दर्द, थकान, अवसाद, भूख कम लगना, हाई ब्लड प्रेशर आदि समस्याएं हो सकती है। यदि कैफीन का सेवन कम मात्रा में किया जाए तो यह बहुत फायदेमंद होता है। एक कप कॉफी में लगभग 100 mg यानी 100 मिलीग्राम और एक कप चाय में लगभग 50 मिलीग्राम कैफीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इन दोनों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। कॉफी और चाय दोनों के अलग अलग फायदे हैं। कॉफी में चाय के मुकाबले लगभग दोगुनी मात्रा में कैफीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए कॉफी की तुलना में चाय का सेवन अधिक फायदेमंद माना जाता है। कम मात्रा में चाय या कॉफी पीना नुकसान नहीं पहुंचाता, यह बॉडी में मेडिसिन का काम करता है और इसका कम मात्रा में सेवन शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन यानी कि पाचन। पाचन के लिए कॉफी की तुलना में चाय बेहतर मानी जाती है। यदि चाय बिना चीनी और दूध के बनाई जाए तो यह पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वहीं अगर हम बात कॉफी की करें तो इसके अधिक सेवन से भूख मर जाती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सो आज हमने जाना चाय और कॉफी के फायदे और नुकसान। अगर गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फॉर मोर लाइक वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।